Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha S Academy, and we are at the lecture number 10. Today we shall be starting with the physics section. We'll do some basic concepts today. है ना? तो basic concept तो physics है क्या? Physics is something which deals with forces, ठीक है? And there are, you know, fields like mechanics. बहुत देखो बहुत अंदर नहीं जाना, हमें PhD नहीं करनी किसी भी चीज़ में. बायोलॉजी हमने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा, ऐसे हम फिजिक्स को पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, आपका ऑप्टिक्स, आपका थर्मोडायनामिक्स. अब थर्मोडायनामिक्स जो है आपका केमिस्ट्री का पार्ट भी है और फिजिक्स का पार्ट भी है, ठीक है. तो बेसिकली ये जो बात थी ये है कि ये इसकी फिजिक्स की फील्ड है. अब देखो मेजर कंट्रीब्यूशन का एक चार्ट हमने अपनी नोट्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं. कुछ कुछ जैसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब, जैसे हमारे होमी जहांगीर भाभा थे या एच जे बाबा थे, जो जिनके नाम पे बार्क भी है, भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर भी है. उन्होंने दिया था समथिंग कॉल्ड एज कास्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, ठीक है. ऐसे ही हमारे जो जगदीश चंद्र बोस जी थे, जेसी बोस, उन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स पे जो है एक पेपर लिखा था, उन्होंने उसके लिए रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है. तो ऐसे वेरियस साइंटिस्ट ने वेरियस कॉन्सेप्ट दिए हैं, या आप हमारे नोट्स में जाकर देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, ठीक है. देन जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी भी जो है वो किसी प्रोसेस के थ्रू ही चलती है. वो प्रोसेस आपका केमिस्ट केमिकल हो सकता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है फिजिकल हो सकता है. जैसे स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे वर्क करता है. आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करते हैं, या फिर अब हमारे पास अब तो फ्यूजन रिएक्टर्स भी आने लगा है, ठीक है. जैसे मैग्नेटिक अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स आपको चाहिए तो वो सुपर कंडक्टिविटी पे चलता है, ठीक है. देन आपके जो फ्यूजन रिएक्टर है, जैसे टोकामैक आपका जो चाइना बना रहा है, ठीक है, टोकामैक, वो के ये सब फिजिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है. तो बात करते हैं कि फील्ड्स मैंने आपको समझा दी, फिर साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, फिर आपके पास प्रोसेस आए जिससे कि आपके पास टेक्नोलॉजी आई, जिससे कि आपके पास टेक्नोलॉजी आई, ठीक है. अब बात करते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. तो बेसिकली देर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. नाउ अमंग दिस ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दीज आर मैक्रो फोर्सेस. दैट मीन्स इट वर्क एट अ वेरी लार्ज लेवल, ठीक है, ये बहुत लार्ज लेवल में वर्क करती है. दिस टू फोर्सेज, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, दीज आर, यू नो, दिस वर्क एट न्यूक्लियर लेवल, ये न्यूक्लियर लेवल पे वर्क करती है, ठीक है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? गुरुत्व आकर्षण जिसको बोलते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है, देखो, जो का सबसे प्रायर चीज है, ये किसी ऑब्जेक्ट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी. जैसे अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और हम एक ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ की वजह से हमारे ऊपर लग रही है. तो एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है. ये थी बात ग्रेविटेशन फोर्स की. लार्ज स्केल फोर्स है, ठीक है, लार्ज स्केल फोर्स है ये, और यही कारण है जो फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड जो आपके गैलेक्टिक क्लस्टर्स बनते हैं, उसको बनने में ये बड़ी मददगार है, ठीक है. आपकी जो सैटेलाइट घूमती है उसके लिए ग्रेविटी बहुत ज़रूरी है. तो ग्रेविटी देखो, जो भी इस चीज़ पे टिकी हुई है, मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, ये ग्रेविटी की वजह से बैठा हूँ, ठीक है. नाउ द सेकेंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है, ठीक है, जो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगी है. अब इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों पड़ा? क्योंकि साइंटिस्ट जिस जो एक ऑरेस्टेड ऑयस्टेड एंड फराडे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये देखा कि भैया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है. ये दोनों इंटरट्वाइंड है, हैंड इन हैंड में चलती हैं, हाथ में हाथ डाल के चलती हैं आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसीलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भी कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, और ये बड़ी लार्ज फोर्स है. इनफैक्ट इट इज वेरी वेरी पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लगभग 10^36 अगर एक ऑब्जेक्ट की बात करें हम, ठीक है, तो 10^36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होती है. अब बात करते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की.
अब देखो आपका क्या है, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपकी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। अब जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगती है, तो इलेक्ट्रॉन की बात तो हो गई खत्म। प्रोटॉन की बात है तो एक तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है उस वो जो है आपका उसकी जो रेंज है वो बहुत स्मॉल है, ये न्यूक्लियर लेवल पे लगती है, मैंने आपको बता दिया कि इसकी रेंज जो है वो बड़ी स्मॉल है। ठीक है, अब ये जो है आपका लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं लगती। अब हुआ क्या कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब भैया प्रोटॉन प्रोटॉन, अब हमें एक रूल पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पास आते हैं। ठीक है, जिसे अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है ये रूल है। अब जब एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन है तो वो भैया रिपेल भी करेंगे एक दूसरे को। अब वो रिपेल करेंगे तो भैया वो न्यूक्लियस तो फट जाएगा। अब उसको जोड़े रखने के लिए एक फोर्स का आई, उस फोर्स को हमने बोल दिया न्यूक्लियर फोर्स, और वो फोर्स थी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, अब एक चीज और है इसके बारे में कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी रिएक्ट कर देगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे ये लगती नहीं, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करेगी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करेगी। ठीक है, अब बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो जब अल्फा डिके होता है किसी भी मैटर का तब ये न्यूक्लियर फोर्स लगती है। ठीक है, अब जब अल्फा डिके होता है तो अल्फा डिके में क्या होता है, एक तो आपका प्रोटोन रिलीज होते हैं और एक अनचार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। सो क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये इनके बीच में लगती है। तो साइंटिस्ट जो है किस चीज पे वर्क करना है, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पे। उसमें न्यूटन थे, फराडे थे, मैक्सवेल थे, इन सब ने जो है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पे वर्क किया कि भैया ये जो फोर्सेस हैं दे ऑल गो हैंड इन हैंड, ये अलग अलग नहीं है। जिसमें से कि फराडे और ऑयस्टर, ऑयस्टर ने मैं आपको बता दिया, ऑयरस्टिड सॉरी ऑयरस्टिड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना को अलग कर पाना मुश्किल है, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, अब बात करें नेचर ऑफ फिजिकल लॉस की, कि फिजिकल लॉस का नेचर क्या है। अब ये याद रखना कि ये जो लॉस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हर फिजिकल लॉ के लिए अलग है। ठीक है, हर जगह जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। ठीक है, ये यूनिवर्सल, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल हो, हर चीज में जाके हर किसी फिजिकल लॉ के लिए ये जो लॉ है ये चेंज हो जाए। एग्जाम्पल, पहले एक चीज होती है कंजर्व क्वांटिटीज, कंजर्व क्वांटिटीज भाई, कंजर्व क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हुआ, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हुआ, आप वो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। मान लिया आप किसी से प्यार करते थे, आपका ब्रेकअप हुआ, लेकिन आप अनचेंज रहे। जब आप उससे पहले नहीं मिले थे तब भी आप वैसे थे, जब आप उससे प्यार करते थे तब भी आप वैसे ही थे, जब आपका ब्रेकअप हो गया तब भी आप वैसे ही है, तो आप एक कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो कंजर्व्ड क्वांटिटी मतलब जो प्रोसेस होने के दौरान अनचेंज रहे वो कंजर्व क्वांटिटी है, और इसी को लेके हमारे पास कंजर्वेशन लॉज हैं। तो बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं, जैसे आपके पास एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना एनर्जी को बनाया जा सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, आप उसको केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हो। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, पैरिटी, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब जो ये तो एक नेचर है, सेकेंड मैंने आपको बताई दिया था पहले कि सारी फंडामेंटल फोर्सेस के लिए ये सेम नहीं होगा, चेंज होगा, किसके लिए सही होगा, किसके लिए इट विल नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, एक जैसा नहीं होगा, और इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन सिमेट्रीज ऑफ नेचर। भाई सिमेट्रीज ऑफ नेचर क्या है, आपका टाइम और आपका स्पेस, मतलब वो जो फोर्स है वो किस समय किस स्पेस में किस मीडियम में लग रही है, वो भी डिफाइन करेगा कि आपका जो ये लॉज हैं फिजिकल लॉज जो हैं
वो कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स की। भैया मेजर करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली तीन हमारे पास सिस्टम्स हैं वर्ल्ड वाइड जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास CGS सिस्टम, एक है हमारे पास CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर, आपका ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, एक है आपके पास FPS सिस्टम। FPS सिस्टम फुट, उसमें वेट पाउंड एंड टाइम सेकेंड में होगा, टाइम सब में सेकेंड में होगा। ठीक है, एंड MKS सिस्टम। MKS में क्या होगा? मीटर, आपका किलोग्राम एंड सेकेंड टाइम। तो पहला वाला क्या नाप रहा है? लेंथ। दूसरा वाला क्या नाप रहा है? वेट या मास। देखो वेट और मास में फर्क आपको बाद में बता रही है। सेकेंड और थर्ड वाला क्या नाप रहा है? टाइम। तो ये तीन मेजर सिस्टम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की। देखो इलेक्ट्रिक करंट पैदा कैसे होता है? दो चार्जेस को, दो ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं, मैंने ये रब किया, जब रब किया तो रबिंग के बाद स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है, ये स्टैटिक चार्ज जब मूव करता है तब बनता है आपका इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तब बनता है आपका इलेक्ट्रिकल करंट। अब जब मूव करेगा उसे इलेक्ट्रिकल करंट बोलेंगे, और जब आप किसी चार्ज पार्टिकल से या चार्ज ऑब्जेक्ट से वो चार्ज जो है धरती पे ले आएंगे तो उसको आप अर्थिंग बोल देते हैं या लाइटनिंग बोल देते हैं। ठीक है, और लाइटनिंग को से बचने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर्स। ठीक है, अब दो इफेक्ट्स हैं, केमिकल एंड हीटिंग। भाई केमिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट? देखो हीटिंग तो क्या है कि जब ये ऐसे है से आपके सेल्स होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं, जब ये कनेक्ट और नीचे एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नीचे आपका एक सॉल्यूशन होगा, मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें चार्ज जो है मूव करता है, और ये इस सॉल्यूशन की वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो जब ये जनरेट होगा, ऐसे घूमेगा, तो हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट तो ये है। भाई आप देखा ना, आपका लैपटॉप चलता रहता है तो गर्म हो जाता है, आपका मोबाइल चल रहा होता है तो थोड़े दिन आप उसको चार्जिंग के साथ इस्तेमाल करो तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। भाई केमिकल इफेक्ट क्या है? देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं इलेक्ट्रिक सेल लूँ तो इलेक्ट्रिक सेल कुछ ऐसा दिखता है, उसमें ऐसे दो ट्यूब्स होंगी। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा उसे एनोड बोलेंगे, इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा उसे कैथोड बोलेंगे। ठीक है, और एक आपका सॉल्यूशन होगा नीचे। ठीक है, आपका सॉल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, CuSO4 होता है, मुझे लगा कॉपर सल्फेट, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, और ये कनेक्टेड होते हैं ऐसे, बैटरी यहाँ पे आपकी बैटरी होती है। अब क्या होता है कि इस सॉल्यूशन की वजह से मूवमेंट होता है चार्ज का और आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि आप जो है व्हेन यू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ वन मेटल, योर डिजायर्ड मेटल, ऑन अनदर मेटल, एक मेटल के ऊपर आप दूसरे मेटल की परत जब चढ़ाते हैं बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली का इस्तेमाल करके, तब उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जैसे ये कॉपर सल्फेट में क्या होता है ना, कॉपर इधर से एक साइड से टूटता रहता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर जमा होता रहता है, ऐसे ऐसे ये जमा होते हुए ऐसे ऐसे इसको ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाता है, एक इलेक्ट्रोड से जो मेटल है वो दूसरी तरफ चले जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये थी बात इलेक्ट्रिक सेल की। अब क्योंकि कुछ PCS में कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी पूछ लिया, तो हम देख लेते हैं कि डिफरेंट, सारा तो हम कवर नहीं कर सकते, बट डिफरेंट लिक्विड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे रहती है। तो पहले अगर मैं बात करूँ, देखो कोई भी जो सॉल्यूशन होगा या लिक्विड होगा उसमें एसिड होगा, बेस होगा और सॉल्ट्स होंगे। जहाँ सॉल्ट्स होगा, एसिड होगा, बेसिड होगा, वहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत होगी। ठीक है, जहाँ नहीं होगा, जैसे डिस्टिल वाटर है, अब डिस्टिल वाटर में सॉल्ट्स नहीं होते, इट इज़ फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, आपका जो टैप वाटर है जिसमें आप घर में आप पानी पीते हैं, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, आपका जो ऑयल है, आपका जो एल्कोहल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। आपका विनेगर है, ठीक है,
विनेगर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, याद रखना। आपके जो सोडा कंपाउंड्स हैं उसमें सोडियम आयन्स होते हैं, ठीक है, सोडा कंपाउंड, सोडा आप पीते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मिल्क में कन्फ्यूज हो जाएंगे, मिल्क में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड और सॉल्ट्स दोनों चीज होती है, ठीक है। अगर मैं लुब्रिकेंट्स की बात करूं तो लुब्रिकेंट्स में हल्की सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ये रादर इंसुलेटर की तरह ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है शुगर सॉल्यूशन। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, आप लिखना मत, ठीक है, आप जाके ये नोट जो है आप हमसे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। और अगर आपको साइट से चाहिए, साइट से मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, बट दोनों जगह ढूंढना मुश्किल होता है, तो हम प्रीफर करते हैं आप हमें एक टेक्स्ट मैसेज कर दें, प्लीज सेंड मी दी नोट्स ऑफ साइंस एंड टेक एंड विल सेंड इट टू यू, ठीक है। अब बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन में। शुगर सॉल्यूशन में आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज उसमें कोई आयन्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये थी बात किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। अब बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट क्या है भाई? मैग्नेट कोई भी ऐसी चीज जो कि आयरन को अपनी तरफ खींच सके, उसे हम मैग्नेट बोल देते हैं। उसमें से भी फिर नेचुरल मैग्नेट होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं? वो पीसेस ऑफ आयरन से ही बने होते हैं। अब बात करें हम मैग्नेट फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स की। भाई देखो, कोई भी जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ, ये इसको एक बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। जो कंपास निडल है, कंपास निडल अपने आप में एक बार मैग्नेट है, जब आप इसे कंपास को लेके आओगे तो उसके निडल जो है नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करती है, ठीक है। अब इसमें जो है नॉर्थ और जो है रिपेल करते हैं अपने आप को, नॉर्थ साउथ जो है अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ नॉर्थ रख दूँ तो ये रिपेल करेगा, अगर मैं यहाँ साउथ रख दूँ तो चुंबक एकदम चिपक जाएगा। तो अगर आप दो चुंबक को एक साथ लाएं तो उनका पोल्स उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करें तो जहां पे क्लोजली होती हैं, जितनी क्लोजली लाइंस होंगी उतनी स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड, जितनी दूर होंगी मैग्नेटिक लाइंस उतनी वीक होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता, क्या होता है, वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में मर्ज होती हैं, साउथ पोल पे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। ये थी कहानी किसकी, आपकी फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ से साउथ होता है। उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे लाइंस क्लोजली नेट होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होगी, जहाँ पे लूजली नेट होगी या दूर दूर होगी तो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें हमें दो रूल्स पढ़ने हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब मैं आपको समझाऊं कैसे, क्योंकि मैं आपको सामने से पढ़ा रहा हूँ और कैमरे में होगा लिटरली इन्वर्जन, बट देन आपको बोलते हुए समझाएंगे, ठीक है। होता क्या है, अगर आप किसी आयरन में कॉपर की वायर मूव कर दें, घुमा दें ऐसे, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट चलाएं, तो ये एक टाइप से मैग्नेट का काम करेगा, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक है। अब फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? देखो, फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है उसको, उस पे जो है मोटर, उसको मोटर रूल भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो है मोटर पे काम करता है, या मोटर का जो मैकेनिज्म है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे है, ठीक है। और जनरेटर, जो जनरेटर का रूल है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे है, ठीक है। अब पहले लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल देख लेते हैं। भाई लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है आपका, कि अगर आपका अंगूठा, भाई ये एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप एक वायर को जिसमें से कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको आप नॉर्थ साउथ या किसी मैग्नेट के बीच में रख दें, तो वो जो है हल्का सा ऊपर उठ जाता है। अब वो ऊपर कैसे उठता है, अगर तो आपका, आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड में अगर तो आप इस वाली उंगली को, जो आपकी मिडिल फिंगर एंड थंब के बीच में ये वाली फिंगर है, अगर आप इसको फील्ड माने तो जो आपका करंट का डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर आपका फील्ड का और करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो आपका जो मोशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, थंब विल पॉइंट आउट टुवर्ड्स दी मोशन, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, आपकी जो वाली उंगली, अगर ये करंट होगी इधर, आपकी जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो इधर होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, ठीक है, तो आपका जो मोशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, वो जो ये जो तार है ऊपर की तरफ चल जाएगी, इसका जो मोशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा।
ऐसे ही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप राइट हैंड लेंगे तो अगर ये वाली फिंगर में करंट फ्लो सॉरी अगर ये फील्ड, ये वाली उंगली आपकी फील्ड होगी, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा और मोशन आपका इधर की तरफ है, तो ये वाली फिंगर आपकी जो राइट हैंड में, ये वाली फिंगर जो है, मिडिल फिंगर जो है, वो करंट के फ्लो की तरफ पॉइंट आउट करेगी, वो करंट की फ्लो की तरफ पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, ये थी बात किसकी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। आप कहीं यूट्यूब में आप जाएं तो एनिमेटेड वीडियो की तरह से भी इसको समझाया गया है, ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि पूछता है मेरा हार्ट जो है रेटरी इन्वर्जन के चलते उल्टा आ रहा हो, ठीक है, बट देन यही है कि ये एक जो है मोशन बताता है, एक आपको डायरेक्शन के ऊपर, मतलब तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आपको इनमें दो चीज़ें पता है तो तीसरी चीज़ मिल जाएगी। मान लिया आपको मोशन और फील्ड पता है तो आपको करंट मिल जाएगा, आपको करंट और फील्ड पता है तो आपको मोशन मिल जाएगा, आपको मोशन और करंट पता है तो आपको फील्ड मिल जाएगी, ऐसे ही इस केस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, एंड कल मोशन पढ़ेंगे, मोशन क्या होता है, एंड राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये मोटर का जो प्रिंसिपल है वो इस पे काम करता है, और राइट हैंड रूल पे जो है जनरेटर प्रिंसिपल काम करता है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस, आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो 8630711706 पे आप मैसेज करिए, कोई भी आपको समस्या हो से रिलेटेड हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी मार्केटिंग क्योंकि हमें भी करनी पड़ती है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।